किसी भी जाति, मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों या साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब इस तरह की तमाम टिप्पणियों पर होगा सख्त एक्शन, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अक्टूबर को कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों या साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों से चली आ रही धार्मिक मसलों की गर्मी और त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और बाकी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि हर मत और संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि महापुरुषों के प्रति सभी नागरिकों के मन में कृतज्ञता का भाव जरूरी है, लेकिन इसे जबरन नहीं थोपा जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, देवी देवताओं या महापुरुषों या संप्रदाय की आस्था के खिलाफ टिप्पणी करेगा, तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता से सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति आस्था के साथ खिलवाड़ या महापुरुषों, देवी देवताओं, संप्रदाय के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसे कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी। सभी मत, मजहब और संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ या आगजनी स्वीकार नहीं की जाएगी। जो भी ऐसा दुस्साहस करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि नवरात्रि और विजयदशमी का त्यौहार हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। महिला सुरक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज करने को कहा गया। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। तो कुल मिला जुलाकर इन दिनों जो तमाम खबरें चल रही हैं, उन खबरों को लेकर और आगे आने वाले त्योहारों को लेकर भी सीएम योगी का ये निर्देश कहीं न कहीं बड़े तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।